लोगों को इस मंदिर के प्रति? झलमला में माता जी के बारे में सुना था कि ये जो है तालाब से उत्पत्ति हुई है ना? श्रद्धालु लोग बहुत पहले से ही एक छोटे सी जगह झोपड़ी नुमा जगह में बना करके इसको रखा हुआ था। बालोद जिला के ग्राम झलमला में स्थित माँ गंगा मैया का यह मंदिर लोगों के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। यहाँ स्थापित मूर्ति की उत्पत्ति तालाब से हुई है। इस मूर्ति की उत्पत्ति की कहानी अंग्रेज के शासनकाल से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि एक केवट के द्वारा इस मूर्ति को तालाब से बाहर निकाला गया है। उसके बाद यह शुरुआत में झोपड़ी नुमा मंदिर में स्थापित था और धीरे धीरे यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की गई। यह मूर्ति के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। यहाँ सिर्फ बालोद जिला ही नहीं वरन दूर दराज के लोग भी इस माता की मूर्ति का दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। खासकर हम नवरात्रि की बात करें तो हजारों की तादाद में भक्त माता की एक झलक पाने यहाँ पर लंबी कतारें लगाए रहते हैं। माता जी की मूर्ति को नमन कर वो अपने आप को काफ़ी धन्य महसूस करते हैं। यह भी मान्यता है कि यहाँ पर सच्ची मन से मांगी गई मुरादें माता जी अवश्य पूरा करती है। यहाँ पे गंगा मैया की दर्शन करने के लिए बहुत अटूट आस्था है यहाँ के लोगों को इस मंदिर के प्रति, और बहुत अच्छा लगा अभी दर्शन किए हैं माता की। और पहले थोड़ा कम इसमें मतलब सजावट था, अभी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ग्रोथ आया है। कांकेर दक्षिण उत्तर बस्तर कांकेर से, और यहाँ गंगा मैया झलमला में माता जी के बारे में सुना था कि ये जो है तालाब से उत्पत्ति हुई है ना, और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ। और माता की आज पंचमी का दिन है ना, तो बहुत लोगों में आस्था है और भीड़ भाड़ लगी हुई है। ये जो मूर्ति है बांधा तालाब से निकली हुई है, और श्रद्धालु लोग बहुत पहले से ही एक छोटे सी जगह झोपड़ी नुमा जगह में बना करके इसको रखा हुआ था, रखी हुई, और उसके बाद धीरे 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 ये मंदिर का निर्माण हुआ और लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती गई। और बढ़ने के साथ साथ लोग जो है श्रद्धा उसकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे मैं भी हर वर्ष माँ गंगा मैया के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, और मेरी मनोकामना जो भी मैंने मंगा माँ ने मुझे दिया। ये गंगा मैया का मंदिर है, यहाँ की जो मूर्ति है वो तालाब से निकली है। यहाँ लोग बड़े मन्नत लेके आते हैं, उसके मनोकामना पूरा करते हैं। वो बहुत पुरानी है, बहुत माँ गंगा मैया का मंदिर है। अपने आसपास का बालोद जिला का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। हम लोग भी प्रतिवर्ष आते हैं, बहुत आनंद महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं मन में सच्ची आस्था और लगन हो तो पत्थरों में भी भगवान नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि माँ की मूर्ति की झलक पाने यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं, माँ से मन्नतें मांगते हैं और माँ उनकी झोली भर देती है। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद।